गूगल एड्स के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि गूगल सर्च एड्स के थ्रू रीमार्केटिंग कैसे करी जा सकती है। जैसे हमने डिस्प्ले एड्स के थ्रू तो बहुत सारे रीमार्केटिंग सीखी है कि हम जो ऑडियंस हमारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, हमारे एड्स पे क्लिक कर रहा है, उनको हम डिस्प्ले एड्स के थ्रू, वीडियो एड्स के थ्रू रीमार्केटिंग कर सकते हैं। बट सर्च एड्स के थ्रू भी किया जा सकता है, तो वही आज हम आपको सिखाएंगे कैसे सर्च एड्स के लिए रीमार्केटिंग करी जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है, साथ में टिप्स ट्रिक्स हर चीज बताएंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी चैनल के ऊपर 50 से ज्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो दोस्तों चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट गूगल सर्च रीमार्केटिंग एड। गाइस यहां पर बात हो रही है गूगल सर्च रीमार्केटिंग एड्स की, यानी कि आपके पास रीमार्केटिंग की ऑडियंस होनी चाहिए। तो सर्च एड हम कैसे बनाते हैं ये हमें पता है, बट अब हमें क्या करना है, सर्च की रीमार्केटिंग करना है, यानी कि उन लोगों को रीमार्केट करना है हमारा सर्च एड जिन लोगों ने हमारे साथ इंट्रैक्शंस कर रखे हैं, राइट। तो वो इंट्रैक्शंस कर रखे हैं उसके लिए हमारे पास उनकी ऑडियंस होनी चाहिए, वो लिस्ट होनी चाहिए, वो हमें ऑडियंस क्रिएट करनी होगी, तब जाके हम उनको रीटारगेट कर पाएंगे, रीमार्केट कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर तो हम चलते हैं यहाँ पर गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे और सबसे पहले हम लोग एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, ओके। सो सर्च रीमार्केटिंग एड बनाने से पहले आप अपनी ऑडियंस बना लो, ओके। एंड उस ऑडियंस को हम कहाँ पर यूज करेंगे, ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर, राइट। सो यहाँ पर हम लोग टूल्स एंड सेटिंग्स में आते हैं, ठीक है। तो शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाता है ऑडियंस मैनेजर, ओके। सो ऑडियंस मैनेजर में आपको यहाँ पर ऑडियंस, आपको अगर आपने पहले से बना रखी है तो वो सभी ऑडियंसेस आपको यहाँ पर दिख जाएगी, राइट। और अगर आपको न्यू ऑडियंस बनानी है तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके, ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी एक नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको डेटा सेगमेंट्स के अंदर की पहले से कुछ ऑडियंसेस बनी हुई है, ऑल यूजर्स ऑफ दिस वेबसाइट, यानी कि यहाँ पर esterfarms.israel.com एंड परचेजर ऑफ दिस वेबसाइट एंड अनटाइटल ऑडियंस, यानी कि जो वेबसाइट मतलब यहाँ पर बनाया होगा ऑडियंस को, उसको टाइटल नहीं दिया होगा। एंड यहाँ पर एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट जो गूगल एड्स की साइट से, राइट। तो यहाँ पर हमें एक ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। आप ऑडियंसेस में आओ, ठीक है, आपको यहाँ पर ऑडियंसेस में ऑडियंसेस दिख जाएगी। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर एकदम फ्रेश एक नया ऑडियंस क्रिएट करना है, राइट। यहाँ पर जो हमने एक कस्टम ऑडियंस बना रखी थी वो ऑडियंसेस यहाँ पर दिख रही है, राइट। सो नाउ अभी हम लोग सिंपली एक नया ऑडियंस क्रिएट करेंगे। एक तरीका ये है जो कि आप एक डिस्कवरी, परफॉर्मेंस मैक्स, इन सब टाइप के कंपेनियंस में यूज करते हो, राइट। तो यहाँ तो आप पूरे कस्टम सेगमेंट्स को यूज करके, यानी कि सर्च टर्म एंड जो आपके पहले के डेटा है उनको यूज करके एक ऑडियंस बनाते हो, बट हमें क्या करना है, हमें तो रीमार्केट करना है, तो हमें ये वाला मेथड नहीं करना है। हमें तो एकदम एक ऑडियंस बनानी है जो हमारे साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुकी है। यहाँ पर तो हम एक अलग ही कॉम्बिनेशन की ऑडियंस बना रहे हैं, बेसिकली कस्टम कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, जहां पर आपके कस्टम सेगमेंट वाली भी ऑडियंस होगी और वो वाली ऑडियंस भी होगी जो आपके साथ इंटरेक्ट कर चुकी है, आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है। तो बिजनेस के साथ जिन ऑडियंस ने इंटरेक्ट किया है वो ऑडियंस तो आपको बनाना होगा ना, ओके। तो वो आप यहां से नहीं, आप सेगमेंट्स में आओ, ठीक है, यहाँ पर प्लस ऑप्शन पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पर कितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स एंड कस्टमर लिस्ट, और यहाँ पर आप एक कस्टम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पर जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट किया है या फिर हमारे लैंडिंग पेज के साथ इंटरेक्ट किया है, उस पे आए हैं, उसको विजिट किया है, ठीक है, तो हम उनकी एक ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक ऑडियंस बनाएंगे, ठीक है, ऑडियंस नेम दे दिया। तो यहाँ पर सेगमेंट मेंबर्स जो है विजिटर्स ऑफ अ स्पीच विद स्पेसिफिक टैग है विजिटर्स ऑफ वेब पेज। अब यहाँ पर आपको अपना एक्शन रिफाइन करना होगा कि वो पेज कौन सा है, वो होम पेज है या फिर वो कोई स्पेसिफिक पेज है जिसको आप अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट में, आई मीन रीमार्केटिंग ऑडियंस के अंदर लाना चाहते हो, कितने डेज के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर एक्शन में क्या है, विजिट वेब पेज विजिट कितने लास्ट पास्ट 30 डेज, 90 डेज, जो भी आप यहाँ सेट करोगे, ठीक है। अब कौन से पेज पे, पेज में क्या कंटेंट्स हैं, इक्वल्स टू में डाल सकते हो जिसने हमारा होम पेज विजिट किया है, राइट।
तो हम उसकी एक ऑडियंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारा होम पेज किया। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आपका होम पेज है ना, उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर यूआरएल आपने पेस्ट कर दिया, ऑडियंस क्रिएट हो गई। प्रीफिल सेगमेंट में जो हमारा प्रीफिल सेगमेंट है वो आप रहने दो, नहीं तो आप एक एमपीटी सेगमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और यहाँ पर एक क्रिएट सेगमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑडियंस हमारे पास तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम यहाँ पर ऑडियंस नहीं बना रहे, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, सेगमेंट नेम दे दो, ठीक है। आप इस टाइप से नेम दे सकते हो, हु विजिटेड माय होम पेज, राइट। तो यहाँ पर मैं एक लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, हु विजिटेड विजिटेड माय होम पेज, ओके, होम पेज, जिन्होंने हमारे होम पेज को विजिटेड विजिट किया, राइट। एक्शन 30 डेज में, 90 डेज में, तो 90 डेज के अंदर किया तो वो हमारे रीमार्केटिंग के अंदर आ जाएंगे, लिस्ट के अंदर, राइट। सो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, पेज यूआरएल कंटेन्स इक्वल्स, या फिर जो भी आप डालोगे, स्टार्ट विद एंड विद, तो बेसिकली हम लोग इक्वल्स रखेंगे, बिकॉज जिन्होंने हमारे पर्टिकुलर इस यूआरएल को विजिट किया हो तो वो यूआरएल हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ओके। तो सिंपली मैं यहाँ पर कंप्लीट जो होम पेज का यूआरएल है वो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ओके। तो हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल्स में डाल दिया, यानी कि इक्वल मतलब ये चीज टोटल होगी तभी हमारा माना जाएगा एक ऑडियंस के अंदर, जो भी मतलब रीमार्केटिंग ऑडियंस लिस्ट मानी जाएगी, राइट। सो यहाँ पर हमने इक्वल्स में डाल दिया, आप चाहो तो कंटेनर्स भी डाल सकते हो, यानी कि देखो कंटेनर्स में तब डालना होता है आपको जब आप किसी स्पेसिफिक पेज के उसको ट्रैकिंग कर रहे हो, मीन्स कि आप चाह रहे हो कि मेरे स्पेसिफिक जो मेरा वेबसाइट है उसके स्पेसिफिक इस पेज पे कितनी ऑडियंस गए, तो उस केस में आप कंटेनर्स का स्लग डालते हो, राइट, कंटेनर्स के अंदर स्लग डालते हो, ताकि मान लो जैसे ये esterfarms.isro.com है /services, तो यहाँ पर हम कंटेन्स के अंदर सर्विसेज डालेंगे, ना कि पूरा यूआरएल डालेंगे, ठीक है। यानी कि जिसमें क्या कंटेन करता हो, सर्विसेज, तो जितने लोग सर्विसेज वाले पेज पे गए होंगे वो लोग हमारी इस रीमार्केटिंग ऑडियंस के आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेगमेंट नेम तो वैसे होम पेज है, अगर आपको सर्विसेज पेज का भी बनाना है तो आप सर्विसेज पेज का भी बना सकते हो, जैसे कि हु विजिटेड माई सर्विसेज पेज, उसमें क्या करना, पेज यूआरएल कंटेन्स में सर्विसेज का स्लग डाल देना, राइट। अब यहां से दो ऑप्शन है, ऐड एक्शन और एंड एक्शन, ठीक है। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस है, और में यानी कि ये या तो ये, और एंड में ये डिफरेंस है कि ये होना चाहिए, ठीक है, मतलब साथ में ये भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप और का साथ कंडीशन डालते हो, एक और एक्शन डालते हो, तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी एक मैच करेगा तो वो हमारे रीमार्केटिंग लिस्ट के अंदर आ जाएगा वो ऑडियंस, ठीक है। अब अगर आपने एंड के साथ किया स्विच टू, मतलब एंड वाला ऑप्शन ट्राई ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों होने चाहिए, मतलब ये वाला भी मैच होना चाहिए कंडीशन, और मान लो ये वाला भी मैच होना चाहिए, पेज यूआरएल इक्वल्स टू ये भी होना चाहिए, या फिर कंटेंट्स में ये भी होना चाहिए, तभी वो हमारे, अब इसमें क्या होगा ना, जैसे मान लो जो लोग हमारे होम पेज पे आए और फिर हमारे सर्विसेज पेज पे गए, तो मतलब सर्विसेज पेज और होम पेज दोनों पे गए जो लोग, वही हमारे रीमार्केटिंग लिस्ट के अंदर आएंगे, ओके। तो यहां से आपने सिंपली अपना एक ऑडियंस क्रिएट करना है, और सिंपली क्या करना है, क्रिएट सेगमेंट। तो यहाँ पर हमने एक सेगमेंट बना ली, अब यहाँ पर सिंपली हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, हमने यहाँ पर बना दिया हु विजिटेड माय होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पर गूगल एड्स के अंदर हम लोग आएंगे, न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे, एक नया कैंपेन क्रिएट करना है हमें, सर्च एड, राइट। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, लीड्स लाना है, ट्रैफिक लाना है, प्रोडक्ट कंसिडरेशन करना है, ब्रांड अवेयरनेस करना है, एप्लीकेशन प्रमोशन करना है, लोकल स्टोर विजिट्स करना है, या फिर आप विदाउट एनी गाइडेंस ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस के साथ चलते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग बात कर रहे हैं सर्च रीमार्केटिंग एड, जो लोग क्वेरी करते हैं यानी कि कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं तो उनको हमारी एड दिखती है, और इस केस में हम रीमार्केट कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे साथ विजिट किया, हमारे हमारे वेबसाइट पे इंटरेक्शंस किए, और फिर वो लोग वो कीवर्ड सर्च करेंगे तो उनको ही ऐड दिखेगी, ठीक है। यानी कि जो लोग हमारे साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं हम उनको अपनी सर्च ऐड दिखा रहे हैं, हर किसी को हमारी सर्च ऐड नहीं दिखेगी, ब्रॉड ऑडियंस को हमारी सर्च ऐड नहीं दिखेगी, उनको दिखेगी, जैसे मान लो 1000 लोग आए, या फिर 10,000 लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, तो 10,000 में से जो लोग वो पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करेंगे उनको हमारी रीमार्केटिंग ऐड दिखेगी, ओके। तो यहाँ पर सर्च
हम सेलेक्ट करते हैं, और बाकी आप लोगों को एंड गोल अपना सेलेक्ट करना है, जो भी कन्वर्जन गोल आपने बना रखा होगा। तो अभी राइट नाउ हम लोग सबमिट लीड फॉर्म लेकर चलते हैं। मेक श्योर कि आप लोगों का ये जो कन्वर्जन एक्शन है ये सब एक्टिव हो, प्रॉपरली सेटअप हो, ठीक है, नहीं तो आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे बाद में, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। भाई यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका, यानी कि आप कहाँ पर चाहते हो रिजल्ट्स लाना, यानी कि वेबसाइट विजिट्स चाहते हो, फोन कॉल्स चाहते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड चाहते हो। ऑफकोर्स हम लोग वेबसाइट विजिट्स चाहेंगे, यहाँ पर हम लोग सर्च एड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट विजिट्स। ओके, अब आपको यहाँ पर नेम सेलेक्ट करना है, कैंपेन नेम। अब यहाँ पर ना आपको वेबसाइट का जो भी URL है आपको वो डालना है यहाँ पर, ठीक है। अब बिजनेस वेबसाइट URL डालना है। अब वो देखो, वैसे तो आप लोग लास्ट लेवल पे भी जाकर डालते ही हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है मार्केटिंग फंडास, उसका यहाँ पर URL डाल देते हैं, ठीक है, और ये हमने पेस्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पर हमने कैंपेन नेम सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपको सेट करना है कैंपेन नेम, सर्च 9 रीमार्केटिंग एंड ऑल, ठीक है। तो हम लोग ये सर्च रीमार्केटिंग हमने यहाँ पे लिख दिया, सर्च रीमार्केटिंग एड, ठीक है। और जो भी आपको डेट वगैरह डालनी है, जिस डेट से आप बना रहे हो वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, राइट। अब हम लोग सिंपली करते हैं कंटिन्यू, एंड देन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे सर्च ड्राफ्ट कैंपेन में है, आई मीन ड्राफ्ट मोड में है, तो हम नया कैंपेन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग में क्या आता है सर्च एड में, आपको पता ही है, ऑलरेडी हम लोग सर्च एड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना ही चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, यानी कि बिडिंग। ओके, सो किस पे आप फोकस करना चाहते हो, कन्वर्जन पे फोकस करना चाहते हो, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे करना चाहते हो, इंप्रेशन शेयर पे करना चाहते हो, यानी या फिर कन्वर्जन वैल्यू पे करना चाहते हो। तो राइट नाउ हमारा जो फोकस रहेगा वो कन्वर्जन होगा, और हमारे लिए इस कैंपेन के अंदर कन्वर्जन क्या है, हमारा एंड गोल क्या है, वो है सबमिट लीड फॉर्म, हमने उसको एक कन्वर्जन यहाँ पर मान के चला है। तो सर्च रीमार्केटिंग जो एड हम यहाँ पर चला रहे हैं, उसका फुल जो फोकस रहेगा वो आपको मैक्सिमम, आई मीन की वो आपको कन्वर्जन ला के देगा, यानी कौन से कन्वर्जन, आपको लीड्स ला के देगा, लीड फॉर्म फिल करके देगा, राइट। बाकी आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है कॉस्ट पर एक्शन सेट करने का, कि एक कन्वर्जन आपको जो है अमाउंट के अंदर आ जाएगा 56, जो भी आप यहाँ पर सेट करते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग चला रहे हो, मतलब फर्स्ट टाइम चला रहे हो, तो उसको आप मत सेलेक्ट करो, ऑप्शनल है बट आप मत सेलेक्ट करो, फ्री हैंड छोड़ दो गूगल के हैंड में। आप देखो पहले, मॉनिटर करो कि कितना आ रहा है कॉस्ट पर कन्वर्जन एंड ऑल, ठीक है, क्या रेट आ रहा है, उसके बाद आप इन चीजों को कंट्रोल करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बिडिंग सेलेक्ट कर ली, ठीक है, जो भी आपको बिडिंग सेलेक्ट करनी है, मैक्सिमाइज क्लिक या फिर इंप्रेशन शेयर या फिर कन्वर्जन वैल्यू वगैरह, तो वो आपके ऊपर है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कैंपेन सेटिंग्स के अंदर नेटवर्क्स, सर्च नेटवर्क्स पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ठीक है। देन लोकेशन, लोकेशन में आप इंडिया या फिर अनदर लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो, यानी कि एडवांस सर्च पे आप क्लिक करके उन मेट्रो सिटीज को टारगेट कर सकते हो जिनको जहां जहां पर आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी पैन इंडिया को टारगेट करेंगे, ठीक है, पूरा। एंड देन उसके बाद लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश या फिर आप सभी लैंग्वेजेस के लोगों को दिखाना चाहते हो, तो ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट। तो ये सब तो ऑलरेडी हम लोग हर एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हुए आ ही रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है सर्च रीमार्केटिंग एड के अंदर, वो हमारी ये है कि हमें ऑडियंस सेगमेंट के टाइम पे हमें क्या करना है, ब्राउज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर ब्राउज ऑप्शन आपको मिलेगा, और ब्राउज ऑप्शन पे आपको वो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है जो जस्ट अभी हमने क्रिएट की है, ठीक है। तो यहाँ पर हु दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस में जाएंगे हम लोग, वेबसाइट विजिटर्स के अंदर जाएंगे, और जो हमने ऑडियंस बनाई है, हु विजिटेड माई होम पेज, जो अभी जस्ट हमने बनाई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मेक श्योर कि इसमें जो है आपकी ऑडियंस का साइज अच्छा हो, ये नहीं कि ऑडियंस बहुत कम है और आप एक एड चला रहे हो तो फिर आपका ना अमाउंट स्पेंड होगा ना इंप्रेशन आएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आपकी 10,000 प्लस की तो ऑडियंस होनी चाहिए, 50K प्लस की ऑडियंस तो होनी चाहिए रीमार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बेटर भी है कि उसमें से जो भी ऑडियंस सर्च करेगी तो उनको हमारे एड्स दिखेंगे सर्च से, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है गाइस यहाँ पर एड रोटेशन। एड रोटेशन बेसिकली क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं इसमें, ऑप्टिमाइज एंड डू नॉट ऑप्टिमाइज। फर्स्ट ऑप्शन इज योर प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, मींस की जो लास्ट लेवल पे जाके आप यहाँ पर एड्स बनाओगे, मल्टीपल हम एड्स बनाते हैं, राइट। हम किसी कैंपेन स्ट्रक्चर, मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि कैंपेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो, एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हो। तो यहाँ वो बात हो रही है एड रोटेशन की, यानी कि आपके एड जो एड्स हम बनाते हैं लास्ट लेवल पे वो रोटेट होंगे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन ही कहता है प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। मान लो
आपने चार एड कॉपीज बनाई लास्ट लेवल पे, उसमें से एक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक जो एड है उस पे सबसे अच्छे इंप्रेशन, क्लिक्स, सीटीआर रेट उसका अच्छा आ रहा है, कन्वर्जन रेट अच्छा आ रहा है, तो क्या करेगा गूगल, उसको ही दिखाएगा, हर किसी को वही वाली एड कॉपी दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस पे अच्छा सीटीआर आ रहा है, उस पे अच्छे परफॉर्मेंस आ रही है। वहीं अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, डू नॉट ऑप्टिमाइज की, तो इसमें क्या होगा कि आपके एड्स जो आप लास्ट लेवल पे जाके बनाते हो, चार पांच एड जो भी आप बनाते हो, वो रोटेट होते रहेंगे, हर किसी को सेम एड कॉपी नहीं दिखेगी, हर किसी को अलग होगी, यानी कि वो चारों रोटेट होगी, यानी कि आपको फर्स्ट वाली एड कॉपी दिख गई, मुझे दूसरी वाली, किसी और को तीसरी वाली, किसी और को फोर्थ वाली एड कॉपी दिख गई, तो यहां पर रोटेट होता रहेगा हमारा एड, ठीक है। तो हमें ऑलवेज क्या रखना है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ये बेटर रहता है, राइट। ये ऑप्शन है हमारा एड रोटेशन के। अब एड रोटेशन के बाद क्या है हमारा, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट्स, तो बहुत बेसिक चीज है, स्टार्ट डेट क्या करना रखना है आपको, एंड डेट क्या रखना है, तो मतलब किस डेट से आपका ये कैंपेन स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, अगर नहीं रखना है तो नो एंड डेट कर दो, यहाँ पर एंड डेट नन रख दो, जैसे जैसे आपका एक बार आप कैंपेन प्रॉपर सेटअप कर लो और बिलिंग ऐड करते रहो, आपके कैंपेन जो है लाइव रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऐड शेड्यूल। अब ऐड शेड्यूल बहुत सही चीज है, जैसे कि आप ऑल डेज में कितने बजे से कितने बजे तक अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, मंडे टू फ्राइडे में कितने बजे से कितने बजे तक, सैटरडे संडे में कितने बजे से कितने बजे तक, ठीक है। तो आप टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, और ऐसा नहीं है कि आप ट्यूसडे और मंडे में एक ही स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो मल्टीपल आप यहाँ पर मंडेज ऐड करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं मंडे जो है जो मंडे है उसमें मैं दो टाइम पे चलाना चाहता हूँ, एक टाइम पे मैं चलाना चाहता हूँ 1 बजे से लेकर यहाँ 3 बजे तक, 3:45, एंड वापस से मैं मंडे में चलाना चाहता हूँ इवनिंग टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस डेट पे जो मंडे में होता है कि इस टाइम पे ऑडियंस ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, जो जो भी आप लोगों को सेट करना है, ठीक है, फ्रॉम पीएम 6:15 PM टू 12, राइट। तो ये आप अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, सेम डेट का भी अलग अलग टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो नाउ अभी हम लोग जो है ऑल डेज का लेकर चलते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, जो कि हम लोग बेसिकली ट्रैकिंग टेम्पलेट वगैरह यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको नहीं यूज कर रहे हैं राइट नाउ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम आ चुके हैं हमारे एड ग्रुप लेवल पे, जहां पर आप लोग अपने कीवर्ड डालोगे, मेक श्योर कि जो भी आप कीवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो आप जो है उसको फ्रीज मैच में रखो, क्योंकि ब्रॉड मैच में रखोगे तो ब्रॉड टर्म आपका टारगेट होगा, तो हो सकता है आपके ऐसे इंप्रेशन आ जाए जिसकी आपकी नीड ही नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे बल्क में हम कैसे करेंगे, बल्क में करने के लिए आपको कीवर्ड्स पे जाना है, वहां पर सेलेक्ट ऑल करना है और एडिट में चेंज मैच टाइप्स करना है, राइट। तो अभी तो हम लोग एड ग्रुप लेवल पे हैं, तो हमने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर कुछ सजेशंस में भी आ रहे हैं कि एड मोर कीवर्ड्स, तो इसको हम लोग अप्लाई ऑल कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 3.4% से इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सो नाउ अब हम लोग आ चुके हैं एड लेवल पे, लास्ट लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनल यूआरएल डालना है, आपका डिस्प्ले पाथ, ठीक है। तो डिस्प्ले पाथ में हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं मार्केटिंग सर्विसेस, कोर्स, ठीक है, सर्विसेज एंड स्लैश कोर्सेज, तो यहाँ पर हमने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हेडलाइंस वगैरह ऐड करनी है, तो आइडियाज में अभी हम फिलहाल एक आइडिया लेके चलते हैं, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कंपनी इन प्रीवियर, ओके, ई कॉमर्स सॉल्यूशंस मैनेज बाय एक्सपर्ट स्ट्रेटजिस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे जो भी आपने कीवर्ड ले रखे होंगे, आप गाइस देखो, आपको अगर आपका एड स्ट्रेंथ एक्सीलेंट करना है तो मेक श्योर जो भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हो एड ग्रुप लेवल के अंदर, उन कीवर्ड्स को आप अपने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस में भी यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडलाइन वगैरह प्रॉपर कर लिया, हमारा हेडलाइन चेक हो गया, हमारा पॉपुलर कीवर्ड्स भी ऐड हो गए, हमारी हेडलाइंस यूनिक भी हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा यूनिक करना है, तो डिस्क्रिप्शन में सजेशंस ऑलरेडी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उनको यूज कर रहा हूँ, तो हमारा डिस्क्रिप्शन भी जो है यूनिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसकी जगह थोड़ा हम लोग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ले लिया, और यहाँ पर भी थोड़ा ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर एंटर करते हैं, एंड देन यहाँ पर जो है सेलेक्ट करते हैं एक कोई डिफरेंट, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, ओके। देन अभी क्या हुआ, अभी जो हमारा है हमारा एड लाइन, जो हमारा हेडलाइन है
ठीक है, वो चेक हो चुका है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स भी चेक हो चुके हैं, हेडलाइंस यूनिक भी हो चुकी है, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस भी यूनिक हो चुकी है, तो सब कुछ प्रॉपर है। बाकी अगर आपको साइट लिंक्स वगैरह ऐड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से साइट लिंक्स ऐड कर सकते हो, कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, और मोर एक्सटेंशन आपको मोर एसेट्स में मिल जाएंगे, जैसे प्राइस, प्रमोशन, कॉल्स एंड ऑल, स्ट्रक्चर स्निपेट, लीड फॉर्म एक्सटेंशन एंड ऑल, तो यहाँ पर एक्सटेंशन भी मिल जाएंगे। आप एक्सटेंशन जो भी आपको एक्सटेंशन डालना है, चाहे कॉल आउट हो, साइट लिंक है, कोई भी हो, आप उसको यूज कर सकते हो। राइट नाउ अभी हम लोग विदाउट एक्सटेंशन डन करके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में क्या सेट करेंगे, अपना डेली का बजट। तो अभी जो ये रिकमेंडेड बजट बता रहा है आपको वो 1375 बता रहा है, राइट। तो इसमें आपको जो वीकली कॉस्ट इतना जाएगा, वीकली आपको इतने क्लिक्स आएंगे अप्रॉक्स, इतने आपके कन्वर्जन होंगे, ठीक है, एंड एवरेज सीपीसी आपको इतना जाएगा, कॉस्ट पर एक्विजिशन की कॉस्ट यानी कि एक कन्वर्जन की कॉस्ट हमारी जो अराउंड 7 रुपीज जाएगी, ठीक है, ये सब आपने सेट कर लिया। ओके, तो हम लोग रिकमेंडेड बजट के साथ चलते हैं और यहाँ पर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं रिव्यू लेवल पे, जहाँ पर आप अपने कैंपेन को रिव्यू कर सकते हो कि आपने क्या कैंपेन सेलेक्ट किया है, क्या ऑडियंस सेलेक्ट किया है और ओके, और सिंपली हमें क्या करना है, पब्लिश कैंपेन करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पब्लिश करते हैं, डन। सो गाइस, इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, एक सर्च रीमार्केटिंग एड क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपकी कोई क्यूरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल लिंक्स दिए हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।